और अब बाराबंकी से बड़ी खबर है, आजम खान के मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। और आजम समाजवादी पार्टी की बीमारी है ये, केपी मौर्य केशव मौर्य ने बोला है, और मैं डॉक्टर नहीं हूं जो इसका इलाज करूं, ये कहा गया है। शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी संगठन कोई फैसला लेगा, केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बयान दिया जब उनसे शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा जिसकी जरूरत होगी पार्टी उसकी ही होगी, उसे ही लेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है आजम खान को लेकर भी और शिवपाल यादव को लेकर भी। आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं तो देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, मैं डॉक्टर नहीं, उसका इलाज करूं। 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को कहां देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी के रूप में शिवपाल यादव आएंगे तो लेंगे वो काल्पनिक सवाल क्यों किया करते हैं? हमारी जरूरत होगी तब किसी को लिया जाएगा, नहीं जरूरत होगी मिलने के लिए तो अखिलेश यादव जी मिल सकते हैं, मायावती जी मिल सकती है, क्या कहते हैं प्रियंका मैडम, राहुल गांधी मिल सकते हैं।